महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी एवं जिला अध्यक्षों की बैठक भोपाल के प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा ने महिलाओं से चर्चा की और महिला आरक्षण को लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन करने की बात कही। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान अलका लामा ने कहा कि महिला आरक्षण पास तो हो चुका है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि महिला आरक्षण को लागू करने की मांग को लेकर 29 जुलाई को महिला कांग्रेस संसद भवन का घेराव करने जा रही है, जिसमें देश भर की महिलाएं दिल्ली पहुंचेंगी। या मध्य प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है, हम किस तरीके से एक मजबूत विपक्ष की भूमिका को निभा सकते हैं, खासतौर से आधी आबादी। मध्य प्रदेश की धरती पर लगातार देखने में आ रहा है कि नाबालिग बेटियां हों, बहनें हों, उनके साथ जघन्य अपराध, अन्याय, हर तरह का बलात्कार कहें हो रहा है और न्याय नहीं मिल रहा है। महिला अपराध पर चर्चा होगी, महिलाओं के हक और अधिकारों पर चर्चा होगी। महिला आरक्षण पास हो चुका है, लागू नहीं किया जा रहा है। 29 जुलाई सोमवार को देश भर की बहनें, जिसमें मध्य प्रदेश की बहनें भी हिस्सा लेंगी, हम संसद का घेराव करने जा रहे हैं इस मांग के साथ कि आपको महिला आरक्षण कानून जो पास है लागू करना है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।